अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। एक बार फिर उत्तराखंड में 2013 तबाही जैसी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड जिले के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही मची है और इस तबाही के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 40 से 50 मजदूरों के भी बहने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद सभी जगह हाई अलर्ट जारी दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ स्थित धौली गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा से निपटने के आदेश जारी कर दिए। जनता से निवेदन किया है कि अफवाह पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इसके अलावा NDRF और लोकल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। जोशीमठ की SDM कुमकुम जोशी ने बताया कि तपोवन में NTPC और ऋषि गंगा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे बह रहा है, जिसके बाद UP में भी अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं यूपी के बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये तबाही शाम तक हरिद्वार और ऋषिकेश में भी दस्तक दे सकती है। और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट TV के साथ। नमस्कार।